न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए नीतीश कुमार व उनके शासन प्रशासन पर जमकर बरसे। कहा कि भाजपा विधायक विनोद नारायण झा व मुख्य आरोपी प्रवीण झा के साठगांठ का पुख्ता प्रमाण होते हुए सरकार मौन है। जो एसपी डीएसपी अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, उन्हें ही इस कांड के जांच का जिम्मा दिया गया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थके हुए मुख्यमंत्री की संज्ञा देते हुए उन्होंने उनकी तुलना किम जोंग उन से की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुछ स्वार्थी अफसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं और समूचे बिहार में राक्षस राज स्थापित हो चुका है। इसके लिए आज जयनगर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें 6 अप्रैल को मशाल जुलूस और 7 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सरकार की मंशा सही नहीं नजर आ रही। कोरोना काल में भी चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन पठन पाठन बाधित कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना के नाम पर स्कूल में पठन पाठन पूरी तरह बंद कर निजी स्कूलों का शोषण किया जा रहा है। बाहुबली प्रखंड के बेला निवासी धनिक लाल सिंह के पुत्र निरंजन कुमार सिंह 480 अंक लाकर बिहार में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं केतन कुमार को 7वां, केशव कृष्ण को 8वां और शिवम पूर्वे और चंद्रकांत यादव संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर हैं। बिस्फी थाना क्षेत्र के जगवन हीरो पट्टी एसएच 75 पर आज बसेट की तरफ से आ रहे एक ट्रक की ठोकर से 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। ट्रक का चालक घटनास्थल से फरार हो गया। हीरो पट्टी गांव के लक्ष्मी शर्मा की ट्रक की ठोकर से मौत पर स्थानीय लोग उग्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने हीरो पट्टी चौक के पास से घंटों भर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलने पर बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार और बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समर्थन में समाज सेवी अर्जुन मंडल द्वारा अपने दर्जनों समर्थकों के संग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। स्वराज इंडिया के बैनर तले विभिन्न मांगों के समर्थन में शुरू किए गए आमरण अनशन के समर्थन में स्वराज इंडिया से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता अनशन स्थल पर जुटे। झंझारपुर आरएस बाजार में रेलवे के अतिक्रमित जमीन को रेलवे द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से खाली कराया गया। इसके तहत झंझारपुर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ रेलवे की जमीन में अतिक्रमण कर अस्थायी रूप से बनाए गए सभी दुखी झोपड़ियों सहित दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़कर हटा दिया गया। हालांकि अतिक्रमण के इस अभियान को छोटे छोटे फुटपाथी दुकानदारों ने एक तरफा कार्रवाई करार दिया है। इस अभियान के तहत जहाँ दर्जनों लोगों के छोटे छोटे दुकान को तोड़कर खाली करा दिया गया, वहीं बड़े बड़े दुकानदारों के दुकान को हाथ तक नहीं लगाया गया। मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान द्वारा मखाना प्रोसेसिंग केंद्र का शिलान्यास किया गया। यह यूनिट लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत लगाया गया है। इस मौके पर मखाना अनुसंधान केंद्र के दरभंगा के डायरेक्टर जिला मत्स्य पदाधिकारी अवर सचिव विवेक माथुर, एमएसएमई सेक्शन ऑफिसर ज्योति कुमारी, पीडीसी आगरा आलेंगो, रिसर्च फाउंडेशन भोपाल के अरविंद मुगदर, डीआईओ विजय शंकर सहित कई अतिथि शामिल हुए। मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि ये मखाना प्रोसेसिंग यूनिट प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल के दिशा में एक शानदार अभियान साबित होगा। उत्पादन और प्रोसेसिंग के साथ साथ मखाना उत्पाद की ब्रांडिंग यहां से की जाएगी। ये मधुबनी के लिए गौरव की बात है। इस क्षेत्र के मखाना उत्पादक किसानों को अब उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा। अब मधुबनी के मखाना का स्वाद विदेशों में भी चखा जाएगा। सखी संस्था की सचिव सुमन सिंह ने कहा कि ये यूनिट बिहार के सबसे उन्नत तकनीकी युक्त प्रथम ग्रामीण मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बनने जा रहा है, जहां प्रतिवर्ष 2.5 टन मखाना प्रोसेसिंग का लक्ष्य है। इसमें मखाना का गुड़ी धोने, भुनने, पॉपिंग करने, फ्लेवर्ड के साथ साथ पैकेजिंग करके स्वतः तैयार होगा। इस केंद्र से जिले के लगभग 800 लोग सीधे जुड़कर विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे।
दोनों घोटालेबाजों की गिरफ्तारी सदर एसडीएम अभिषेक रंजन के निर्देश पर हुई है। उल्लेखनीय है कि रविवार को बाहुबली टीपीसी भवन में कुल्हड़िया पंचायत के विभिन्न वार्डों की समीक्षा सदर एसडीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में की गई, जिसमें तकरीबन 1,07,57,000 रुपए 3 घोटालेबाजों द्वारा मिलकर गबन कर लिए जाने का मामला सामने आया था। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार ने बताया कि अन्य पंचायतों की भी जाँच की जा रही है। मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के 46वां स्थापना दिवस को समारोह पूर्ण मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद युवा समाज सेवी मनीष कुमार झा ने सभी बूथ अध्यक्षों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। परीक्षा में परचम लहराया है। जयनगर के केशव कृष्ण ने मैट्रिक परीक्षा में बिहार में 8वां स्थान लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनके पिता किसानी करते हैं, इससे पूर्व अखबार बेचा करते थे, अब पुत्र डॉक्टर बनना चाहता है। सीमांचल क्षेत्र के जयनगर और देवघर थाना पुलिस ने आज छापेमारी कर 4 बड़ी खेप शराब के साथ 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। शराब के साथ 2 धंधेबाजों भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बेतौरा बॉर्डर के समीप से एक बागीचे से शराब की बड़ी खेप और 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। हालांकि तस्कर मौके से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर देवधा थाना पुलिस ने उसराही तीन मुहानी रेलवे गुमती के समीप गश्ती के दौरान 6 जूट की बड़ी बोरियों में रखे कार्टून से 300 ml का 720 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया। मंडल की अध्यक्षता में मंगलवार को बरदाही गांव से दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अन्य वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बेनीपट्टी के चर्चित मोहम्मदपुर गोलीकांड के 9वें दिन तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्लूरस ने दी है आंदोलन की चेतावनी। जिलाध्यक्ष अनुराधा सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आज के मोहम्मदपुर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके मोहम्मदपुर गांव आने से पहले उनके ट्वीट करने से उनके आने की खबर सुनकर समूचे गांव और क्षेत्र के लोग उमड़ पड़े थे। लोग मकानों के छत पर से उन्हें देख सुन रहे थे, जिससे पीड़ित परिवार स्वयं को बहुत ही असहज और मर्माहत महसूस कर रहा था। एसडीएम श्री चौधरी ने लखनऊ पीएससी के अलावा बेरमा और कछुवी उप स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे कोविड टीकाकरण का जायजा लिया। आज लखनऊ पीएससी पर 120, बेरमा उप स्वास्थ्य केंद्र पर 110 एवं कछुवी कैंप पर 80 लोगों का टीकाकरण किया है। बीते सोमवार को बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा का परिणाम से सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर के छात्रों में हर्ष का माहौल है। हिमाचल इलाके के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे प्रखंड के क्षेत्र के पिहवाड़ा निवासी रोशन पंडित के पुत्र रोहित पंडित ने 442 अंक, वे चंदन राय के पुत्र अखिलेश कुमार ने 394 अंक एवं सरोज सिंह के पुत्री शालिनी कुमारी ने 369 अंक लाकर अपने परिवार एवं गांव का नाम रोशन किया है। ये सभी छात्र एवं छात्रा उत्तरा हाई स्कूल में नामांकन कराकर गांव के ही कोचिंग में पढ़ाई कर परीक्षा की तैयारी की थी। मधवापुर के पहिपुरा निवासी शिक्षक संतोष महतो की पुत्री डोली कुमारी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्हें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित के विषय में बहुत ही कम नंबर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने बोर्ड के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है। झंझारपुर प्रखंड के लालगंज निवासी दयानाथ मिश्रा के पुत्र सुशांत मिश्र ने बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ क्षेत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। परीक्षा के 500 में से 461 अंक प्राप्त कर सुशांत ने परिवार सहित गाँव का नाम रोशन किया है।
मेधावी छात्र सुशांत उच्च विद्यालय लोहना के छात्र हैं। उनके इस सफलता पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिस्मिल प्रखंड क्षेत्र के प्लस टू उच्च विद्यालय परसोनी मुरलिया चौक की छात्र रितु गुप्ता ने 464 और प्रभाकर कुमार शाह ने 462 अंक से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय सहित प्रखंड का नाम रोशन किया है। विद्यालय से दर्जन से अधिक छात्रों को 80% से अधिक अंक लाने में सफलता मिली है। सफल छात्रों ने बताया कि विद्यालय में ही पठन पाठन कर बेहतर परिणाम लाए हैं। झंझारपुर अनुमंडल के अग्निशमन विभाग द्वारा आज रुद्रपुर के नव नगर में मॉक ड्रिल सह जागरूकता अभियान चलाया गया। अग्निशमन विभाग द्वारा हर घर अग्नि सुरक्षा के तहत लोगों को आग लगने पर बचाव की जानकारी दी गई। मधोपुर प्रखंड के पिरोखर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में एक घर में आग लगने से घर सहित घर में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गृह स्वामी गुलाब राव ने 20,000 के सामानों के जलने की जानकारी दी। मधोपुर प्रखंड क्षेत्र के रैमा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बुधवार को लोगों को एएनएम कुमारी पूनम के द्वारा कोरोना का टीका लगाया गया। आज कुल 108 लोगों को सीएससी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की उपस्थिति में टीका लगाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर मनोज कुमार अकेला समेत सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।